तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं डीपीपी का सॉल्यूशन दूंगा, बट वही सवाल देंगे जो कि अच्छे हैं। आप करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप सब मैनेज हो जाएगा। कुर्सी पे बैठे हाथ फोल्ड करके ऐसे सुनते रहोगे, देखते रहोगे कि कैसे मैनेज होगा, तो ऐसे मैनेज कभी नहीं होता है और ना ही कभी हुआ है। क्या मेरी बात समझ गए? दो तीन मेरी आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट है। फर्स्ट थिंग इज, थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। रिक्वेस्ट्स, आपका जो भी लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो या आपका शाउट हो, है ना, आपका डाउट हो या शाउट हो, कोई बात आप बताना चाहते हैं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, हाउ वॉज द लेक्चर, डाउट हो, कोई एक्सप्रेशन हो आपका कि आप ये लिखना चाह रहे हैं, तो वो आप लिखिए। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स और आपके डाउट्स देख रहा हूं। कुछ बच्चों ने देखा होगा, सारे के तो डाउट्स मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, बट यस, बहुत सारे डाउट्स, करीबन 15-20-25 डाउट्स मैं रिप्लाई करूंगा। मैं आपसे चाहता हूं कि डाउट सेक्शन में हमारा जो इंगेजमेंट हो वो अच्छे डाउट्स पे हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इस सब को छोड़ दीजिए प्लीज, ये चीज अब पुरानी हो गई कि 11th बर्बाद, मैं यहां से IIT JEE क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्या करना चाहिए, इस पे बहुत डिस्कशन हो गया। एन नंबर ऑफ वीडियोज है मेरी ही यूट्यूब पे और आपने मेरे ही मुंह से बहुत बार ये चर्चा सुन ली है, तो हमें अब इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए कि 11th बर्बाद है। समझ में आया? जिसको अभी भी नहीं समझ में आया कि 11th के बारे में क्या करना है और कैसे करना है, तो वो हमारा डिस्कशन पहली वीडियो में हो चुका है, पहले लेक्चर में हो चुका है, आप जाके देखिए प्लीज। लाइव नोट्स कैसे बनाने, अभी भी कुछ बच्चे वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अच्छे डाउट्स, कोई बात आपको नहीं समझ में आई वो पूछो, कुछ अच्छा आपको समझ में आ रहा है, कोई दूसरा मेथड आपको सवाल का दिख रहा है वो बताओ, वो पूछो। लेट अस मेक दिस प्लेटफॉर्म वेरी इंगेजिंग। समझ में आया? बैच का जो माहौल है वो पहले दिन से ही डिसाइड होना स्टार्ट होता है कि आप किस प्रकार के कमेंट वहां करते हैं। नो डाउट एक तबका 10% वाला वो हमेशा वैसा रहेगा जो कि उलझुल कमेंट करेगा, बट हम उसको इग्नोर करते हैं, 90% ऑफ द पर्संस पे फोकस करते हैं। आप मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है आपकी और क्या डिमांड है, ठीक है, डाउट के साथ डिमांड, आप क्या चाहते हो। व्हेन आई से डिमांड, तो ये सब मत करना यार कि सर ये दे दो, प्रैक्टिस शीट दे दो, ये सवाल करवा दो, वो सवाल करवा दो, वो सारी बातें मैं करूंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आई एम नॉट अमंग दोज टीचर्स जो पहले ये बोले कि भाई मैं एडवांस का पढ़ाता हूं। जैसे आपने देखा होगा ना कहीं पे कोई यूट्यूब की वीडियो खोल के देखना, उसके नीचे लिखा होगा ये प्योर एडवांस का टीचर है। मुझे वो मतलब ही नहीं समझ में आता, व्हाट इज प्योर एडवांस, क्या होता है मतलब? सीधा ही मैं क्या डिटरमिनेंट के बारे में कुछ ना बताऊं, सीधे सवाल सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूं? पहले बताना पड़ेगा ना, और फिर सवाल करेंगे हर वैरायटी का, टेंशन ले रहे हो। तो ये सब मत करना कि भाई साहब ये वाला सवाल करवा दो, वो करवा दो, प्रैक्टिस शीट दे दो, एडवांस सेशन दे दो, वो सारे मैंने सोच रखे हैं, अपने आप देता जाऊंगा। जस्ट एंजॉय द गेम। समझ में आया? लेक्चर्स एंजॉय कीजिए, अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए कि सर आपने बोल दिया कि आप पे सारी चिंताएं त्याग दो, पहले ही लेक्चर में बोला था ना, उसका कुछ मतलब था। यहां पे खाली कर दीजिए, सारा मुझे दे दीजिए, मैं आपको सारा समझा दूंगा। समझ में आया? है ना, आपको विश्वास करना पड़ेगा। एनसीआरटी को लेकर बड़े बच्चे परेशान है, सर एनसीआरटी का होमवर्क आज लाया हूं। भाई एनसीआरटी का होमवर्क भी ले लो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैथमेटिक्स जो है वो जेई मेंस और जेई एडवांस में टफ आती है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जरूर टफ आती है, नो डाउट। बट यस, आपको एक प्रिविलेज मिलेगा मैथ सब्जेक्ट में, दैट इज कि अगर आप लेक्चर के सवाल ही करते रहोगे तो आपको एनसीईआरटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के होमवर्क में आपकी दो एक्सरसाइज कंप्लीट है एनसीईआरटी की, आप देखोगे कट 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 जवाब आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो प्लीज आप अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखिए प्लीज। समझ में आया? और एक समझदार शांत बच्चा वही होता है कि सर आप पढ़ाओ, हम पढ़ रहे हैं, आप बताओ, हम फॉलो कर रहे हैं, आप लीड करो, हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, ये होती है जी तैयारी। समझेगी नहीं समझे? हाँ ना। तो ये सब बातें थी, और बताइए, और आपका कुछ है तो, कोई बात परेशान कर रही हो? डीपीपी आपको मिलेगी भाई, डीपीपी आपको मिलेगी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है, ये डिस्कशन मेरा मैनेजमेंट के साथ भी हुआ था, मैं वही डिस्कशन आपके साथ भी करना चाह रहा हूं। मैथमेटिक्स की डीपीपी सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, आप इस बात को मानिए, मैथ्स की डीपीपी सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। केमिस्ट्री की डीपीपी हार्डली 5 मिनट में या 10 मिनट में हो जाती है, फिजिक्स की डीपीपी आप बोल लो 15-20 मिनट में, बट अगर मैं मैथ्स की डीपीपी की बात करूं और वो डीपीपी अगर अच्छी है या पेन भी चलाऊं सभी में उसका आंसर निकालूं, तो मुझे कम से कम 40 से लेकर 1 घंटा लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं डीपीपी का सॉल्यूशन दूंगा, बट वही सवाल देंगे जो कि अच्छे हैं। एडवांस द कंटेंट बोल नहीं रहा हूं, आप देख लीजिएगा, एडवांस द कंटेंट, रोड और कचरा क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ, मैं जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप टाइमली अपना काम कीजिए। दूसरा, आप अच्छे डाउट्स पूछिए प्लीज, डाउट्स पूछो अच्छे बुरे, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन भी होना चाहिए। अब ये छोड़ दो 11th बर्बाद है, कैसे कंप्लीट करेंगे सर, क्या होगा हमारा बोर्ड्स में, स्कूल वाले डरा रहे हैं सर, स्कूल कैसे मैनेज करेंगे 12वीं के साथ, इन सब सवालों के जवाब, इनफाइनाइट सवाल है और इनफाइनाइट ही जवाब यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप सब मैनेज हो जाएगा। कुर्सी पे बैठे हाथ फोल्ड करके ऐसे सुनते रहोगे, देखते रहोगे कि कैसे मैनेज होगा, तो ऐसे मैनेज कभी नहीं होता है और ना ही कभी
हुआ है। क्या मेरी बात समझ गए? टाइम टेबल, किस चीज का टाइम टेबल? टाइम टेबल कुछ नहीं है भाई, टाइम मिलते यहां बैठो, फ्री होते ही पढ़ाई कीजिए प्लीज। अब वो सब नहीं लिख के दूंगा कि 6 बजे उठो, 6:15 बजे तक पेस्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ, 6:30 बजे तक नाश्ता कर लो, 7 बजे सर पढ़ने बैठ जाओ, ये सब ये 11वीं वाले बच्चों को अगर दिया जाए, क्योंकि वो नए नए रूटीन में आ रहे होते हैं। आप 11वीं पढ़ के आए हो, चाहे आपने कोचिंग की है या नहीं की है, बट आप 11वीं में सीनियर वाला जो वो फील है वो लेके आए हो। अब आप 12th में आ गए हो। टाइम टेबल एक सिंपल सी कहानी है, जितना टाइम है वो सारा का सारा टेबल पे बिताइए। क्या, व्हाट इज द टाइम टेबल, लिख लो इस बात को, जितना का जितना टाइम आपके पास है सारा का सारा टेबल पे बिताइए। कौन सी टेबल? स्टडी टेबल पे। तुम ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे होगा, और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये जो ऐसे बना के दूंगा ना, ये तुमसे आधे दिन भी फॉलो नहीं होगा, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, आधे दिन भी ये फॉलो होता ही नहीं है। ये सर ये सब मिथ है, ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। 11 साल तो मुझे पढ़ाते हुए होंगे, मैंने देखे हैं, एक भी ऐसा नहीं है कोई। सर फिर बच्चे क्या करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, वो किस टाइप का टाइम टेबल फॉलो करते हैं? वो यही इसी एटीट्यूड को फॉलो करते हैं कि जितना भी टाइम है सारा हम टेबल पे बिताएंगे, हम अपना काम कंप्लीट करेंगे जो हमें करना है, उसके बाद में टाइम बचा तो दैट टाइम इज योर्स, आपको जो करना है, मूवी देखनी है, रील देखनी है, गेम खेलना है, जो खेलना है खेलो, बट अपना टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर, मतलब होमवर्क कंप्लीट कर दो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो आज से हमारा नया नारा, व्हाट इज टाइम टेबल, सारा टाइम टेबल पर स्पेंड करना है। और कोई चीज आपके परेशान कर रही है तो आप मुझे बताइए प्लीज, इज एनीथिंग ट्रबलिंग यू, एनीथिंग डिस्टर्बिंग यू, तो मुझे बताओ ताकि फिर मैं उसका जवाब दूं, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि आप समझो ना, इतना बड़ा बैच है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं, अब तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा हो गए होंगे, तो हर एक का अलग अलग डिमांड है। बोले सर डीपीपी का ये वाला सवाल बता दो, सर मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन बता दो। अब सर जो है वो इन जनरल आपको वो वाले सवाल बताएंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे, जिसमें मेरे डिस्कशन की जरूरत होगी। आई होप कुछ नहीं है, वी कैन कंटिन्यू, आगे बढ़िए, शाबाश।